हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रेसी नेहा व्लॉग्स। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टर्की 14 डेज आइटनरी। तो आप सब लोगों को जो हमको बहुत पहले से फॉलो करते हैं उन लोगों को पता होगा कि मैं और रेस्टी टर्की गए थे फॉर 14 डेज। सो आज मैं उसकी पूरी आइटनरी आपसे शेयर करने वाली हूँ। और स्टार्ट करते हैं बेस्ट सीजन टू विजिट टर्की। सो बेसिकली बेस्ट सीजन टू विजिट टर्की इज अप्रैल मई एंड सेप्टेम्बर अक्टूबर। हम लोग सेप्टेम्बर में गए थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्लाइट। सो फ्लाइट हम लोगों ने गोवा एबिबो से बुक की थी। इनकी डोमेस्टिक एयरलाइंस भी है पेगासस एयरलाइन, जो कि टर्की एयरलाइन है। उनकी वेबसाइट से अगर आप बुक करेंगे फ्लाइट, इंटरनल फ्लाइट्स बेसिकली, तो आपको काफी रीजनेबल पड़ सकती है। बेटर होता है, हसल कम होता है अगर आप एडवांस में सारी बुकिंग्स करके जाओ। हम लोगों को मुंबई टू इस्तांबुल राउंड ट्रिप 40,000 to 50,000 पर पर्सन पड़ा था। डिपेंड्स कि आप कितना एडवांस बुकिंग करते हो। हमारा थोड़ा लास्ट मिनट बुकिंग था। एंड इंटरनल फ्लाइट्स आई विल टेल यू जब मैं आइटनरी आपसे शेयर करूंगी प्रॉपर, हम कहां से कहां कैसे गए, तो मैं आपको बजट ब्रेकडाउन दूंगी उसका। तो हम लोगों को थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ा। एंड दूसरा है वीजा। सो वीजा हम लोगों को 20,000 पर पर्सन पड़ा था। एंड हम लोगों का वीजा 2 हफ्ते में अप्रोक्सीमेटली आ गया था। टर्की की करेंसी है टर्किश लीरा। अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपीरियंस बेटर है कि आप इंडिया से ही जब आप करेंसी चेंज कराते हैं तो टर्किश लीरा में करा ले। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एयरपोर्ट पे तो कभी करेंसी एक्सचेंज मत कराना, बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, हमारा एक्सपीरियंस है। अगर आप अपने साथ 20,000 इंडियन रुपीज कैश कन्वर्ट करा के ले जाना चाहते हो टर्की, तो आप 20,000 में से 10,000 का आप करवा लो टर्किश लीरा यहीं पर से, इंडिया से ही। और 10,000 जो बचे हैं उसको या तो आप कन्वर्ट करवा लो यूरो में या फिर डॉलर में। सो अकॉर्डिंग टू अस 3 कैटेगरी है। सबसे पहले जो वहां पे एक्सेप्टेबल है वो है टर्किश लीरा, सेकंड नंबर पे है यूरो और थर्ड नंबर पे है डॉलर। बहुत सारी जगह पर ऐसा भी होता है कि वो लोग डॉलर तो आपसे एक्सेप्ट कर लेंगे लेकिन फिर वो करेंसी रेट भी उसमें डिडक्ट करेंगे। सो बेटर है कि आप लोग टर्किश लीरा यहीं से कन्वर्ट करा के लेके जाओ। सो हम लोगों ने वहां जाकर एज सच कोई सिम कार्ड नहीं खरीदा था। हम लोगों ने इंडिया से ही अपनी जो भी हमारी सिम कार्ड कंपनीज है वहां से रोमिंग पैकेज लिया था। तो आप अपनी कंपनी से जो भी बेस्ट आपके अकॉर्डिंग पैकेज है वो ले सकते हैं। सो टर्की में अगर आप वेजिटेरियन हो तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मतलब इस्तांबुल में एंड कैपेडोकिया में आपको वेज फूड मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल हो जाएगा। बट अंताल्या एंड कुसादासी में वेज फूड ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। हो सकता है कभी कभी आपको सिर्फ ऑलिव्स और चीज और ब्रेडी ऑप्शन में मिले। सो बेटर टू कैरी जैसे वो MTR के रेडी टू मिक्स पैकेट्स आते हैं, क्योंकि मैंने और रेसी ने पोहा, उपमा, ऐसी नूडल्स जैसी चीजें कैरी करी थी। थेपला भी हम लोग लेकर गए थे तो उससे हमारी काफी हेल्प हो गई। हम लोग सबसे पहले मुंबई से गए इस्तांबुल। हमारी डायरेक्ट फ्लाइट थी, 6 to 7 hours की हमारी फ्लाइट थी इस्तांबुल। और इस्तांबुल एयरपोर्ट पहुंच के सबसे पहले गए हम अपने होटल, और हम लोगों ने उबर टैक्सी बुक किया था। वहां पर 2 taxis अवेलेबल है, उबर भी चलती है और एक उनकी लोकल टैक्सी है, वो है बी टैक्सी। हमारा होटल थोड़ा आउटस्कर्ट पे था। अकॉर्डिंग टू मी आप लोग तकसिम स्ट्रीट के आसपास अपना होटल बुक करा सकते हैं, बेटर रहेगा क्योंकि सारे जितने भी मेन स्पॉट्स हैं घूमने के लिए वो तकसिम स्ट्रीट के आसपास ही हैं। इस्तांबुल 2 parts में डिवाइडेड है, एशियन साइड और यूरोपियन साइड। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर आप लोगों को होटल चूज करना है तो आप तकसिम स्ट्रीट के पास के एरियाज में बुक कर सकते हैं, या फिर गलाता टावर के पास बुक कर सकते हैं, या फिर यूरोपियन साइड भी आप लोग होटल बुक कर सकते हैं। दोनों साइड बहुत अमेजिंग है इस्तांबुल की। कैब्स भी बहुत अच्छी हैं, बस थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं। अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो आपको कैब्स रीजनेबल पड़ सकती हैं। और हम लोगों ने बस से भी ट्रैवल किया एंड मेट्रो से भी ट्रैवल किया था, और दोनों हम लोगों को बहुत इजी लगा, बस भी और मेट्रो भी, ज्यादा मुश्किल नहीं आई। और सर्विस इन लोगों की बहुत अच्छी है एंड गूगल मैप्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहा बस से ट्रैवल करते टाइम, और मेट्रो से ट्रैवल करते टाइम हमें बहुत ज्यादा हेल्प हुई गूगल मैप से। सो इस्तांबुल में हम लोगों का 2 night stay था, और हम लोगों ने एक दिन कवर किया तकसिम स्ट्रीट मार्केट। हम लोगों ने वहां का बकलावा एंड टर्किश टी ट्राई किया और थोड़ी सी शॉपिंग करी। एंड देन नेक्स्ट डे हम लोगों ने गलाता टावर एक्सप्लोर किया एंड
गलाता टावर पर चीज केक और टर्किश टी जरूर ट्राई करना, मतलब मेरी तो फेवरेट है। एंड वहां के बाद हमने थोड़ी सी लोकल मार्केट एक्सप्लोर करी। सो इस्तांबुल से हम अगले दिन निकल पड़े इजमीर के लिए, जो कि हमारी फ्लाइट हुई थी इस्तांबुल टू इजमीर, अप्रोक्सीमेटली 9,000 पर पर्सन। एंड इजमीर इनका मेन एयरपोर्ट है, वहां से हमको जाना था कूसादासी। एंड इजमीर से कूसादासी का डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स, और हमको जो वहां पे कैब पड़ी थी वो पड़ी थी 5,000 से 6,000 रुपए की। एंड बाय द वे, इजमीर में आप लोगों को उबर टैक्सी या फिर बी टैक्सी नहीं मिलेगा, उनकी वहां पे एयरपोर्ट से फिक्स टैक्सी चलती है, आपको वही बुक करनी पड़ेगी। एंड कूसादासी जब हम पहुंचे तो काफी लेट हो चुका था और हम कूसादासी इतने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाए, लेकिन हमने कूसादासी की मार्केट एक्सप्लोर करी, जो कि बहुत ही अमेजिंग वाइब थी। हमारे जो चार्जर्स हैं वो इजीली आप यूज नहीं कर सकते, आपको उसके लिए एक अडेप्टर लेना पड़ेगा, जो हम लोगों को वहां जाकर बहुत एक्सपेंसिव पड़ा। सो आप एक अपने साथ कैरी कर लेना। सो कूसादासी पहुंचने के बाद हम लोग नेक्स्ट डे निकल गए, अपना टूर पैकेज बुक करवाया, हम लोगों ने बस टूर पैकेज बुक कराया था। सो होटल से हमको वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ा। एंड देन लेटर ऑन वी गॉट टू नो कि वेटर करके ऐप है जहां पर काफी सारे टूर पैकेजेस आपको अलग अलग सिटीज के मिल जाएंगे, आप वहां से बुक कर सकते हैं। हम लोगों को होटल से अप्रोक्सीमेटली 15,000 फॉर 2 पीपल पैकेज पड़ा था। एंड बस से हम निकल पड़े। सो पमकाले में कुछ आर्टिफिशियल लेक है, आर्टिफिशियल एज इन मैन मेड है और कुछ नेचुरल है। इट वॉज एवरेज एक्सपीरियंस। एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने कूसादासी की मार्केट एक्सप्लोर करी फिर से शाम को। एंड हम लोगों ने काफी शॉर्ट टाइम कूसादासी में रखा था, तो हमको कूसादासी एक्सप्लोर एक्चुअली करने को मिला नहीं, बट कूसादासी बहुत ब्यूटिफुल है। माई टिप फॉर यू इज, अगर आप कूसादासी या इजमीर जा रहे हैं तो मिनिमम 3 दिन के लिए जाएं, क्योंकि आपका हाफ ऑफ द डे तो इजमीर एयरपोर्ट से कूसादासी ट्रैवल करने में निकल जाता है, एंड वापसी में फिर आपको कूसादासी से इजमीर एयरपोर्ट आना होता है, तो इसमें आपका आधा दिन तो वेस्ट हो जाएगा। तो यू नीड एटलीस्ट 2 and 2.5 days टू एक्सप्लोर कूसादासी। कूसादासी के बाद हम लोग निकल पड़े अंताल्या के लिए, जो कि हमारी फ्लाइट थी इजमीर टू अंताल्या अप्रोक्सीमेटली 5,000 पर पर्सन। एंड अंताल्या एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल है, एंड स्पेशली फॉर दोस्त जिनको बीचेस एंड ऑल काफी पसंद है, तो आप लोगों को अंताल्या बहुत पसंद आने वाला है। अंताल्या में हम लोग रुके थे ZO होटल में, होटल काफी अच्छा था, बस द ओनली प्रॉब्लम इज वहां पर किड्स अलाउड नहीं थे। हम लोगों को होटल पड़ा था वहां पर अप्रोक्सीमेटली 10,000 to 15,000 पर नाइट। आप हमारे जो 6 से 7 फुल व्लॉग्स हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए, वहां पर हमने सारा कुछ दिखाया हुआ है, होटल व्यू प्राइस एंड एवरीथिंग। एंड अंताल्या में हम लोगों ने बुक किया अगेन डे टूर पैकेज, उसमें था केबल कार, दूधन वाटरफॉल और बोट ट्रिप, एंड लंच उसमें इंक्लूडेड था। मोस्टली जब भी आप डे टूर पैकेजेस लेते हो किसी भी सिटी में, तो मेजरली जो लंच होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। एंड आप पैकेजेस अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारे पैकेजेस के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, अपने बजट के हिसाब से आप पैकेज चूज कर सकते हो। सो अंताल्या में काफी सारी एक्टिविटीज भी होती हैं, एंड आप वहां से पैकेजेस जब चूज करेंगे तो उसमें भी ऑप्शंस होते हैं एक्टिविटीज के, आप वो भी चूज कर सकते हैं। और होटल वाले काफी हेल्पफुल होते हैं इन सब चीजों में, वो आपको बता देते हैं कि यहाँ पर ये एक्टिविटीज हैं, आप जाके कर सकते हैं। मैंने वो मोटर वाला पैराग्लाइडिंग किया था, एंड वेदर कंडीशन के हिसाब से होता है, तो मेक श्योर कि वो चीज सब चीजें क्लियर कर लेना। हमारा एक्सपीरियंस हमने व्लॉग में शेयर किया है, मैं सारे लिंक यहाँ पर मेंशन कर दूंगी, वो आप जाकर देख सकते हैं। अंताल्या में 2 से 3 दिन हम लोगों ने बहुत ब्यूटीफुली स्पेंड किए, अंताल्या बहुत खूबसूरत है। सो अंताल्या से हम लोगों की फ्लाइट थी कैपाडोकिया के लिए, और हम लोगों को फ्लाइट पड़ी अंताल्या टू कैपाडोकिया अप्रोक्सीमेटली 3,000 to 4,000 पर पर्सन। जो जर्नी थी वो 1 से 1.5 घंटे की थी। एक टिप है हमारी तरफ से जो हमने एक्सपीरियंस किया, कि अगर आप कैपाडोकिया एयरपोर्ट से अपने होटल को बोलेंगे कि बस सर्विस प्रोवाइड करवा दो, तो वो बहुत रीजनेबल पड़ता है, अप्रोक्सीमेटली 700 पर पर्सन पड़ता है। और अदरवाइज जैसा कि हमने किया था, हमने कैपाडोकिया एयरपोर्ट से टैक्सी बुक करी थी अपने होटल के लिए, तो वो हमको टैक्सी पड़ी थी 6,000 रुपए की। सो बहुत बड़ी सेविंग हो सकती है यहाँ पर। ओके, सो कैपाडोकिया बहुत ही खूबसूरत है, और कैपाडोकिया में इंडियन फूड भी मिलेगा खाने को, और वेज फूड के ऑप्शंस भी बहुत सारे मिलेंगे आप लोगों को।
को कैपेडोकिया एक्सप्लोर करने के लिए अकॉर्डिंग टू मी मिनिमम आपको 4 दिन रखने चाहिए इफ यू वॉन्ट टू डू एवरीथिंग फोटोशूट हॉट एयर बलून. वाई आई एम टेलिंग यू 4 डेज बिकॉज हॉट एयर बलून जो होता है ना वो बहुत ही डिपेंड करता है वेदर कंडीशन के ऊपर. कभी भी इन लोगों की हॉट एयर बलून फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो जाती है बिकॉज ऑफ द विंड कंडीशन एंड वेदर कंडीशन. तो बफर में रखना जरूर, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही दिन के लिए कैपेडोकिया जा रहे हो, मिनिमम 4 दिन के लिए कैपेडोकिया जाना एंड इट्स एक्चुअली वर्थ इट. सो हाउ वी हैव प्लान्ड आवर कैपेडोकिया ट्रिप. सो पहले दिन हम लोगों ने किया कैपेडोकिया में फोटोशूट, कपल फोटोशूट एंड माय सोलो फोटोशूट. वहां पर रेंटल ड्रेस मिल जाती है आपको, फोटोग्राफर मिल जाते हैं जिसका कॉस्टिंग अप्रोक्सीमेटली आपको 250 यूरो या फिर 300 यूरो पड़ेगा, फोटोग्राफर कार एंड द ड्रेस फ्लेयर ड्रेस. एंड सेकेंड डे हम लोगों ने किया हॉट एयर बलून फ्लाइट एंड उसके बाद हम लोगों ने थर्ड डे पर किया था डे टूर पैकेज फुल कैपेडोकिया का. हम लोगों ने चूज किया था ग्रीन पैकेज. कैपेडोकिया में 2 पैकेजेस अवेलेबल होते हैं, एक ग्रीन टूर और एक रेड टूर. तो हम लोगों ने ग्रीन टूर चूज किया था. जो हमारा डे टूर था उसका सबसे बड़ा जो हाईलाइट था वो था अंडरग्राउंड सिटी. सच में अंडरग्राउंड सिटी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, सिर्फ मेरा, बिकॉज रेस्ट ही नहीं जा पाया. जिन लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया का इशू है उन लोगों के लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि रेस्टी को काफी प्रॉब्लम हो गई थी. वो काफी नैरो केस हैं. उस पैकेज में भी हमारा लंच इंक्लूडेड था और उन्होंने हमें लव वैली एंड ऐसी जितनी भी वैलीज थी उन सबका टूर करवाया था. काफी टाइम होता है आप अपनी फोटोशूट वगैरह करो. एंड डे 3 पर हमने बहुत ही अमेजिंग चीजें करी हैं. हमारा स्टे जो था वो था अजा केव होटल में और होटल की तरफ से हमारे लिए था एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेकफास्ट जो कि बहुत ही खूबसूरत था. आप वैली में जाकर ब्रेकफास्ट करते हो और सब वो वहीं पे फ्रेश बना रहे होते हैं. वहां पे बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए थे. बहुत ही एक्स्ट्रा अमेजिंग हमारा एक्सपीरियंस था. ट्रैक्टर में वो हमको लेकर गए थे. उसके बाद सेम डे पर हम लोगों ने किया स्कूटर राइड. पूरा वो सनसेट दिखाने आपको लेकर जाते हैं, वो भी बहुत अमेजिंग था. बस उसके लिए कपड़ों का थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि आप पूरे मिट्टी से भर के आते हो अच्छा खासा. बहुत से लोग बोलते हैं यहाँ पे धूल मिट्टी है, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं है. और उसके बाद हम लोगों ने लिया था हमाम बाथ जो कि बहुत अमेजिंग सा एक्सपीरियंस है अपने आप में. मतलब ऐसा आपको फील होगा जो हमारा एक्सपीरियंस था कि बचपन में जैसे मम्मी ने लाया करती थी अब आपको बड़े होके किसी ने ऐसे नहलाया. सो दैट वाज अ हमाम बाथ एक्सपीरियंस. दैट्स व्हाट ऑल अबाउट कैपेडोकिया. सो कैपेडोकिया से इस्तांबुल की हमें फ्लाइट पड़ी थी 9,000 रुपए की. अब आप सोचोगे कि हम कैपेडोकिया से वापस इस्तांबुल क्यों जा रहे हैं. इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इंडिया की जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो सिर्फ इस्तांबुल से चलती हैं. इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया था कि स्टार्टिंग में 2 दिन हम इस्तांबुल रहेंगे एंड लास्ट के 2 दिन भी हम इस्तांबुल रहेंगे ताकि बहुत ज्यादा हॉच पॉच ना हो फ्लाइट्स को लेकर. सो इस्तांबुल के जो हमारे लास्ट 2 डेज थे, एक दिन हम लोगों ने लिया डे टूर पैकेज ऑफ इस्तांबुल. वो हम लोगों को पड़ा था 5,500 पर पर्सन. ये सारे जो मैं बजट्स आपको बता रही हूँ वो मैं बता रही हूँ इंडियन रुपीस के हिसाब से. सो आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग अच्छा सा पैकेज ले सकते हो जो जो आपको एक्सप्लोर करना है. तो हम लोगों ने जो पैकेज लिया था उसमें मेन मेन सारे पॉइंट्स कवर हो रहे थे. ब्लू मॉस्क हम लोगों ने विजिट किया, स्पाइस मार्केट गए, ग्रैंड बाजार एंड देन तकसीम स्ट्रीट भी गए थे. एंड देन उसके बाद हम लोगों ने बॉस्फोरस क्रूज लिया था एंड बॉस्फोरस क्रूज का राइड बहुत ही अमेजिंग था. सो लास्ट डे हम लोगों ने सिर्फ अपनी शॉपिंग के लिए रखा था और मैंने और ऐसी ने बैठ के कॉफी शॉप पे कॉफी पी और बस रिलैक्स किया क्योंकि अगले दिन हमारी फ्लाइट थी वापस इस्तांबुल टू मुंबई. सो दैट वाज आवर 14 डेज आइटनरी. आई रियली वांट टू शेयर सम इम्पोर्टेंट टिप्स विद यू जो हमने इस पूरे ट्रिप में हमको लगता है कि एक बड़ी मिस्टेक करी है. तो वी जस्ट वॉन्ट कि आप ना करो. वो ये है कि हम लोग इजमीर कुसादा से सिर्फ इसलिए गए थे बिकॉज हम लोगों को पामुकाले और एफिसस जाना था. बट अगर सिर्फ आपको काले और एफिसस जाना है या रोमन थिएटर एक्सप्लोर करना है सो ये टूर पैकेज आपको कैपेडोकिया से भी मिल सकता है, अंताल्या से भी मिल सकता है. सो जस्ट टू विजिट पामुकाले, हीरापोलिस या फिर रोमन थिएटर, इसके लिए आपको स्पेशली इजमीर कुसादासी आने की जरूरत नहीं है. सो दैट वाज द ओनली मिस्टेक वी हैव डन. एक और इम्पॉर्टेंट टिप आप सब के लिए वो ये है कि बी पंचुअल. आप जब वहां जाओगे ना तो प्लीज अपने ट्रांस
ट्रांसपोर्ट को लेकर बहुत ही पंचुअल रहना, बिकॉज वो लोग बहुत पंचुअल है. अगर उन्होंने आपको 5 बजे का टाइम दिया है तो यू हैव टू बी देयर. वो सिर्फ कई बार आप डे टूर पैकेज बस बुक करोगे, वो 5 बजे सपोज उन्होंने आपको टाइम दिया है और आप अगर वहां पर 5 बजे नहीं हुए, वो हार्डली 2 मिनट आपका वेट करेंगे एंड वो निकल जाएंगे आपको छोड़. एंड वन मोर थिंग, जब भी आप टैक्सी बुक करोगे वहां पर सपोज टू बी, सो टैक्सी का जो भी टाइम होगा, टैक्सी अपने टाइम से बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आपके होटल के बाहर पहुंच जाएगी और उनका मीटर चालू हो जाएगा. चाहे आप आने में 10 मिनट लगा दो, वो वेट करेंगे आपके लिए टैक्सी वाले, लेकिन आपका मीटर तभी चालू हो जाएगा जो आपको उन्होंने टाइम दिया होगा. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, क्योंकि वहां का जो रेट है वो हमारे यहाँ से थोड़ा ज्यादा है. सो दिस इज ऑल अबाउट आई वॉन्टेड टू टेल यू गाइज टर्की के ट्रिप के बारे में. और हो सकता है कुछ चीजें मैंने मिस कर ली हूँ, तो अगर आपको डीपली जानना है कि हम लोगों ने कैसे कैसे अपने दिन स्पेंड किए थे और 14 दिन कितने ब्यूटीफुल थे हमारे टर्की में, तो मैं सारे लिंक्स मेंशन कर दूंगी. हमारे 6 से 7 ब्लॉग अवेलेबल है हमारे इसी चैनल पर, तो नीचे लिंक मेंशन कर दूंगी, आप जाकर जरूर देख सकते हैं. और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो और आपके कमेंट का जवाब जरूर मिलेगा. और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना और शेयर भी करना. फिर मिलते हैं एक नए ट्रिप के साथ. Love you. Keep supporting. Keep loving.